आया ऊपर आया कि ऑब्जेक्ट क्या है, वर्कबुक को कैसे हैंडल करेंगे, वर्कशीट को कैसे हैंडल करेंगे, और रेंज को कैसे हैंडल करेंगे, और डायनेमिक सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये चीज हमने बताया। और कल की क्लास में मैंने बताया कि किसी सेल पे हम किस तरह से डेटा को टाइप करें, राइट? तो कल की प्रोग्राम जो बताया उसे से रिलेटेड हम एक आपका ये बताने जा रहे हैं, मतलब कि एक एग्जाम्पल आपको हम देने जा रहे हैं। मैं एक फॉर्म डेटा टाइप करना चाहता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया मान लीजिए रोल, और यहाँ पे अमाउंट, तीन चीज आ गई। और इस सेल में हम ये कह देते हैं और मैं यहां पे नेम रोल एंड मार्क्स। अब मैं क्या चाहता हूं कि बटन्स बनाना, और यहां फिल करने के बाद जब बटन पे क्लिक करूं तो डेटा यहां कुलेट होता जाए, एक के नीचे एक के नीचे, ठीक है? एक छोटा सा सिंपल फॉर्म बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बड़ा सा लंबी फॉर्म लूंगा तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए छोटा सा एग्जाम फॉर्म लिया जो कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है सर? ठीक है मान सिंह जी, तो आपने म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट करोगे तो मैं सुन पाऊंगा। सुन पा रहे हो सर? हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ। जी सुन रहा हूँ, अभी आया तो मुझे। हाँ प्रॉब्लम समझ में आ गई, हम करना क्या चाह रहे हैं। जी आ गई है। अब चलिए इसको करेंगे कैसे इसके बारे में जानते हैं। तो हम रिजोल्यूशन पे गए, इंसर्ट पे गए, एक नया मॉड्यूल्स लिया, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमने डिफाइन किया लाइक इन ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था किस तरह से डेटा टाइप करेंगे, एक सेल की वैल्यू दूसरे सेल की वैल्यू पे। जैसे कि यहाँ हम डेटा में गए कि सीट डेटा के A2 पे वैल्यू फ्रॉम का B3 की वैल्यू हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे शीट्स डेटा, क्योंकि डेटा पे टाइप हो रहा है, डेटा शीट पे डॉट रेंज इससे पहले होगा A2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शीट्स फॉर्म डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू, राइट? ठीक है सर, लेकिन ये डायनेमिक नहीं हुआ, हमने बोला था कि हमें एक के नीचे करना है, तो ये तो हमेशा B1 पे वैल्यू डालेगा। क्या तो इसके लिए हमें हमेशा ये एक मतलब यहां पे डायनेमिक करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं डेटा शीट पे हमेशा एक के नीचे कुलेट होता जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल फॉलो करूंगा, मैं बोलूंगा कि A65000 डॉट एंड एक्सल आप, और एक्सल ये क्या कर देगा, ये कर देगा नीचे से ऊपर, मतलब कि इतना लाइन क्या करेगा कि डेटा शीट के A65000 पे जाएगा, डेटा शीट के A65000 पे जाएगा, और यहां से कंट्रोल के साथ अप एरो, कंट्रोल के साथ अप एरो का इस्तेमाल करेगा और सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं एक के नीचे, क्योंकि अगर ऊपर आया तो लास्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, मैं चाहता हूं कि एक के नीचे डेटा को फिल करें, तो यहां पे हमें डालना पड़ेगा ऑफसेट, क्योंकि तो कल की क्लास में आपको समझाया था कि ऑफसेट 1,0 डॉट।
ऑफसेट क्या करेगा कि जहां पे एक्सल अप जो है एंड वाला कर्सर डालेगा वहां से एक रो नीचे डालेगा और इसकी वैल्यू को, इसकी यहां जो वैल्यू है उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। मतलब कि यहां पे अगर नाम पूजा लिखा हुआ तो ये क्या करेगा, यहां पे पूजा लिख देगा। अगली बार मैं पूजा के जगह पे मान लीजिए कि मैंने मनीष लिखा तो इस मनीष को ये पूजा के जगह पे यहां नहीं डालेगा, इसके नीचे डालेगा, क्योंकि जब ये एक्सल अप होगा तो यहां नेम पे नहीं, पूजा नेम पे नहीं, पूजा पे आएगा कर्सर, क्योंकि तो सबसे लास्ट में जाता है। और फिर ऑफसेट क्या करेगा, एक कर्सर नीचे लाके यहां मनीष को डाल देगा। तो डेटा कुलेट इस तरह से 1 by 1 होता है। अब इसी तरीके से बाकी जो है हमारे वो भी करना है, तो इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं बार बार लिखने से बचने के लिए। लेकिन यहां पे 0 हो जाएगा, इसके आगे और हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तो ऑफसेट में ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है। तो दूसरा लाइन जब वर्क करेगा तो आपके डेटा पे यहां मान लीजिए कि पूजा है तो पूजा लिख रहा हो, तो अगली बार मैं कर्सर को नीचे ना ला के हम आगे लेके जाएंगे कि आगे इसमें रोल नंबर डालो, फिर दूसरा बार चलेगा तो फिर 2 कॉलम आगे जाएगा यहां पे मार्क्स। तो यहां पे हमने 1 कर लिया और B3 की जगह पे हमारा जो है क्या है अगली वैल्यू B6, यहां पे B6 हो जाएगा। और एक बार और इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूं और यहां पे हो जाएगा हमारा 2 और यहां B6 के जगह पे ये हो जाएगा हमारा B9। एक बार ट्राई कर लेता हूं, यहां पे रोल नंबर 1 और अमाउंट हम डाल देते हैं कुछ, लेकिन मैंगो टिकर कैसे होगा, तो ट्रिगर करने के लिए हम यहाँ इसमें डेवलपर टाइप के इंसर्ट बटन पे हमारे पास एक बटन होता है, इस बटन को यहाँ पे मैं ड्रैग करूँ और हम इस मैक्रो को आर वाले मैक्रो को असाइन कर देते हैं ताकि बटन से हमारा मैक्रो चलेगा। और यहाँ पे लिखते हैं सेट। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक किया तो डेटा यहाँ पे आ गया, लेकिन कैसे पता चलेगा हुआ या नहीं हुआ, दो चीज, एक तो कंफर्मेशन चाहिए, दूसरा और अगली बार डेटा डालने के मुझे पहले इसको डिलीट करना, तो अपने आप ब्लैंक क्लियर भी हो जाए और एक मैसेज भी दे। तो क्लियर करने के लिए हम मल्टी रेंज सिलेक्शन जो बताया था मैंने वो डालेंगे यहां पे, शीट्स, उन शीट्स में फॉर्म नहीं, सीट डालेंगे जरूरत नहीं है, हम क्योंकि हम बटन से रन कर रहे हैं तो वो सीट ही एक्टिवेट होगा। B3, B6, B9 डॉट क्लियर कंटेंट्स, क्लियर ऑल मत कीजिए, क्लियर मत कीजिएगा, क्लियर क्लियर उसमें क्लियर ऑल हो जाएगा, यहां पे क्या करना है क्लियर कंटेंट्स करना ठीक है। ठीक है सर, और फिर मैसेज के लिए कंफर्मेशन के लिए एमएलजी बॉक्स और यहां लिखेंगे
योर डेटा हैव बीन सेव, जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते। देखिए मैं यहां पे करता हूं नीतू, कॉल नंबर 3 और अमाउंट है यहां पे और संडे, क्लियर हो गया और कंटिन्यू चला। ठीक है, समझ में आया सर कोड? इस कोड में कोई याद आप लोगों का प्रॉब्लम है? अब मैं एक छोटा सा और चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि डेट इसमें हमारा एक ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर, डेट और यहां पे टाइम, तीन कॉलम ऑटोमेटिकली जुड़ जाए, जो कि यूजर बाहर नहीं डाले, वो अंदर ही माइक्रो इस चीज को डाले। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग माइक्रो डाल, तो सबसे पहले मुझे सीरियल नंबर पता करना होगा। तो हमने यहां पे लिखा एस इक्वल टू, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे मैक्स का फॉर्मूला सपोर्ट नहीं कर रहा है। गया ये पर है। तो क्या बोलना है? हेलो, हाँ मानसिंह जी कुछ बोल रहे हैं आप? तो सर मैं ये पूछ रहा था, ऊपर जो ऑफसेट लगाया था आपने, उसका क्या फायदा था? बेसिकली ऑफसेट का फायदा यह था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लास्ट ब्लैंक रो, लास्ट ब्लैंक रो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास एक कमांड है एंड की, मतलब कि कंट्रोल के साथ हम लोग डाउन एरो प्रेस करते हैं तो कर्सर सबसे लास्ट फिलिंग रो में आ जाता है। हाँ जी, तो मुझे लास्ट फिलिंग रो नहीं चाहिए, मुझे इसकी अगली रो चाहिए, तो हम ऑफसेट में करते हैं, मतलब ये नीचे जाएगा फिर। हाँ, हम ऑफसेट को बोलते हैं, हम ऑफसेट को बोलते हैं कि एंड जो है, एंड जो एंड एक्सेल अप डाउन लेफ्ट राइट जहां पे कर्सर छोड़ेगा उससे एक रो नीचे की तरफ आता है या एक रो आगे की तरफ आता है, एक कॉलम आगे की तरफ आता है। अच्छा, तो प्लस में हमेशा आगे की तरफ नीचे की तरफ आएगा और माइनस में ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन का इस्तेमाल है। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं डेटा में इनपुट 3 करना चाहता हूं, तो ऑटोमेटिकली यहां पे सीरियल नंबर, डेट और टाइम तीन चीज इंक्लूड होना चाहिए, जो कि इसकी कोडिंग बैकएंड में माइक्रो खुद ब खुद करेगी। ठीक है, तो मुझे सीरियल नंबर कैसे पता चलेगा? तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला है हमारे पास मैक्स का, जो कि इस कॉलम से मैक्सिमम नंबर निकाल के देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर जो आएगा उसमें हम प्लस 1 कर देंगे
तो अगली वैल्यू है ना, ये नहीं वन, अगर मान लो किसी ने यहाँ पे वन लिख दिया तो टू आएगा, टू लिखेगा थ्री फोर आएगा ना क्या? तो उस केस में हम यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम मैक्स का फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं, जो सपोर्ट नहीं कर पा रहा। सपोर्ट करेगा कैसे पता चलेगा, नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लेन का फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ नीचे आ जाता है। दूसरा, जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो एक वेरिएबल चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। ध्यान रखिएगा जो फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको हम वर्कशीट फंक्शन से उठाते हैं। फिर मैक्स यहां लिखेंगे शीट्स, शीट्स के अंदर डेटा, डेटा शीट में रेंज कौन सा, पूरा एक, इसकी मैक्स मान जाए। आईडी निकल गया। अब यहां ऊपर वाला मेथड जो है ना ये लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहां हम वैल्यू की जगह पे यहां पे लेते हैं आईडी प्लस वन, आईडी प्लस वन, ठीक है। फिर जो कॉपी करते हैं ये वन की जगह पे जीरो हो जाएगा और यहां कॉलन वन हो जाएगा, और यहां तो मेरे से ये डेट, तो डेट के लिए जस्ट मैं डेट लिख दूंगा तो सिस्टम डेट उसमें डाल देगा, ओनली फॉर डेट। अब मुझे चाहिए टाइम, तो टाइम के लिए होता है नाउ, लेकिन नाउ डेट एंड टाइम दोनों देता है, तो यहाँ पे 0.2 कर लिया, नाउ में होता है डेट एंड टाइम, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ टाइम। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट के अंदर में अगर हम नाउ को डाल दें और इसके अंदर करें SH, SS, MM, MM, SS, ते हमको टाइम देगा। ये फॉर्मेट फॉर्मूला क्या है, एक्सेल में टेस्ट फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लगाया एक्सेल के अंदर में नाउ, और मुझे इसमें सिर्फ टाइम चाहिए, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लेते हैं और टेक्स्ट के फॉर्मूला में इसको सपोर्ट करके बोलते हैं कि MM, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा HH/MM/SS, तो टाइम दे रहा है ना। तो सेम वर्क आपका फॉर्मेट करता है इसके अंदर, VVA के अंदर। तो डेट एंड टाइम आ गया। उसके बाद जो बाकी जो तीन है वो तीन अपना जो डेटा शीट का है वो उठ के आएगा, लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ जीरो और यहाँ हो जाएगा हमारा थ्री, एंड जीरो ये हो जाएगा हमारा फोर, ये हमारा फाइव, और बाकी जो क्लीनिंग का काम है और मैथ्स का काम है वो तो ये यहाँ करेगा ही करेगा, ठीक है। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ और फिर माइक्रो को असाइन माइक्रो करके चेंज करता हूँ, कौन सा माइक्रो, RR1 लेता हूँ। अब यहां डालता हूँ पूजा रोल नंबर वन, अमाउंट इज सेंड एंड ओके, और डेटा मिल गया, ठीक है। अब अगली अगली डेटा को सेव कर डालता हूं, मैं डालता हूं ओम रोल नंबर टू एंड अमाउंट हम डाल देते हैं 85,44, सेंड एंड यहां देखिए सेल नंबर टू, डेट टाइम चेंज हो गया। अब मैं इसमें एक चीज करना चाहता हूं कि मैं जब कर्सर प्लेस करूं तो इनके अलावा किसी और पे ना जाए। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस कोड में कहीं डाउट है आप लोगों को, कोई चीज समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ है? ओके, समझ में आ गया, राइट। अब हम करना चाहते हैं कि जब हम एंटर प्रेस करें तो इन तीनों के अलावा कहीं मेरा कर्सर आ जाए। तो इस चीज को करने के लिए हम याद करेंगे अपनी
फॉर्मूला सॉरी प्रोटेक्शन मेथड की क्लास, जब मैंने आपको प्रोटेक्शन मेथड पढ़ाया था उसकी क्लास को यहां पे याद करें। तो कैसे, और यहां करेंगे राइट क्लिक, प्रोटेक्ट, नहीं इसके लिए सबसे पहले तो तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, तीनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया एंड फॉर्मेट सेल पे गया, प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन में जाके इसको लॉक को अनचेक कर दिया। एंड ओके, और जब हम यहां पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो यहां से प्रोटेक्ट सिलेक्ट अनलॉक शेल को अनचेक कर देते हैं और फिर इसको कर्सर इन तीनों के अलावा कहीं नहीं जाएगा और टाइप भी सफिशिएंट होगा। लेकिन क्या इस पर क्लिक होगा? क्लिक होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है सर। तो आज मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डेटा शेयर करेंगे एक फाइल से, एक सीट सीट से दूसरे सीट। अब आप लोगों को एक फाइल में भेज रहा हूं, एक तो मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया, एकदम छोटा सा हंसने वाला एग्जांपल, इसको देख के आप लोग हंसेंगे। आप मुझे एक ऑफिशियल एग्जांपल बताया जो कि ऑफिस में यूज होती है, ठीक है, ऑफिस में यूज होने वाले एग्जांपल को बताएं।